एलियंस दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाले ये जीवों के बारे में जानने के लिए सबको इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एलियंस के बारे में जानते कम, एजम्पशंस ज़्यादा। और एलियंस से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए अभी भी रिसर्चर्स शुरू ही है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स एलियन एग्जिस्टेंस पर भरोसा करते हैं। रिसेंटली एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर डेविड ग्रश ने एलियंस के बारे में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताया, जिसके कारण एलियंस की खबरें फिर से सुनने में आ रही है। अमेरिकन रूल्स के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड करता है तो उसको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट के इस रूल के बावजूद एलियन इन्फॉर्मेशन बाहर आई, मतलब ये इन्फॉर्मेशन सही ही हो सकती है। डेविड ग्रश का कहना है कि एलियंस से यूज़ किए गए व्हीकल्स और वो व्हीकल ड्राइवर्स के डेड बॉडीज अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है, और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के एलियंस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बारे में सुना है, जिस इन्फॉर्मेशन को अमेरिकन गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियल रखा है। यूएफओ ज़्यादातर अमेरिका में ही क्यों दिखते हैं, और मिले यूएफओस पर किए रिसर्च इन्फॉर्मेशन अमेरिका दुनिया से क्यों छुपा रहा है। इंडिया में यूएफओ साइट्स के बारे में एक वेबसाइट में क्लियरली बताया गया, जिसके अनुसार मुंबई पुणे के बीच ज़्यादातर यूएफओस देखा गया, और रिसेंटली गुजरात और पंजाब में भी यूएफओस नज़र आए। अमेरिकन ऑफिसर डेविड ने भी बताया कि अमेरिकन ऑफिसर्स एरोप्लेन्स चलाते समय कई ने यूएफओस को देखा। डेविड की एलियन इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने के कारण उस पर केस लगाया गया, फिर भी डेविड वह सही होने की बात हमेशा स्पष्ट करते रहा, लेकिन प्रूव करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है, जिसके कारण उसकी बातें लॉयर के द्वारा झूठ बताई गई। और लॉयर ने भी स्पष्ट किया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई एलियन डेड बॉडीज को नहीं छुपाया। अमेरिकन मीडिया में ये भी स्प्रेड हुआ कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा यूएफओ अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है, और अमेरिकन गवर्नमेंट मल्टी डिकेड प्रोग्राम पर स्टडीज कर रहा है। ये प्रोग्राम के द्वारा यूएफओस को कैप्चर कर उसको एक सीक्रेट प्लेस में रखकर स्टडीज किया जाता है, लेकिन अमेरिकन टास्क फोर्स ने ये स्पष्ट किया कि ये यूएफओस अमेरिकन सीक्रेट टेक्नोलॉजी का नहीं है। करीब 20 इयर्स के टाइम पीरियड में नज़र आए 120 यूएफओ इंसिडेंट्स पर ये टास्क फोर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, जिनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए। 2007 से पेंटागन एडवांस्ड एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम द्वारा यूएफओ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आसमान में कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिखने की बात पायलट्स ने, और पैसिफिक ओशन में भी कुछ ऐसी सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स दिखना नेवी पायलट्स ने बताया। ऐसे एलियंस के बारे में सिर्फ अमेरिकन्स ही नहीं, रशिया और चाइना ने भी अपने रिसर्चर्स शुरू रखे। इस बीच इजरायली स्पेस सिक्योरिटी जनरल हैम इशद ने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट को एलियंस के साथ एग्रीमेंट है, और इसराइल में भी स्टडीज करने के लिए उन्होंने उनके साथ भी एग्रीमेंट किया, जो बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।